लास्ट लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का दूसरा डेफिनेशन भी बताया था। आज का हमारा टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। आज क्या पढ़ने जाएंगे अपन? रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है वो मैं समझाऊंगा एक एग्जांपल से। एग्जांपल में एक केमिकल इक्वेशन लिखता हूं, CuO स्टैंड फॉर H2 स्टैंड फॉर, यानी कॉपर ऑक्साइड को किससे रिएक्ट करवा रहे हो? हाइड्रोजन से। ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कॉपर। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्लस H2O यानी कि वॉटर। CuO क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड। H2 हाइड्रोजन। अब रिएक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के, तो प्रोडक्ट मिला कॉपर प्लस। ठीक, अभी इस रिएक्शन में ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड क्या है? बोलो। रिएक्टेंट है। आ जाता। अब ये रिएक्टेंट ने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन किया या ऑक्सीजन को लूज किया? लूज ऑक्सीजन, बराबर हा या ना? तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन। ऑक्सीजन गेन करा होता तो ऑक्सीडेशन होता ना। ऑक्सीजन इसने किया क्या, तो इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। अच्छा, अब इसकी बारी आई हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन भी क्या है? रिएक्टेंट है। इसने ऑक्सीजन को क्या किया? गेन ऑक्सीजन। तो जो रिएक्टेंट ऑक्सीजन को गेन करता है, ऐसे केमिकल रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। यानी इस केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यस और नो? तो अब इधर एक डेफिनेशन आएगा, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ। सच रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो साथ में, जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी हो रहे हो साथ में, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में ये आरईडी
स्टैंड फॉर रिडक्शन, ठीक है, और ये ओ एक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। समझ में आई बात रेडॉक्स रिएक्शन की? आया ना? सिंपल है, जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रहे हो, जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रहे हो, टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। आरईडी स्टैंड फॉर रिडक्शन, ओएक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? रिएक्टेंट ने ऑक्सीजन को क्या किया, तो उसका हो गया ऑक्सीडेशन। और रिएक्टेंट ने अगर ऑक्सीजन को क्या किया, तो उसका हो गया रिडक्शन। समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन लिखता हूं। राइट द नेम ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट फ्रॉम अबव रिएक्शन, फ्रॉम किसका नाम लिखना है? कल मैंने ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट का मतलब बताया था, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन अवेलेबल करता है वो ऑक्सीडेंट, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन अवेलेबल करता है वो रिडक्टेंट, मतलब कल बताया था, ठीक। अच्छा, ये ऑक्सीडेंट और ये रिडक्टेंट, ये कौन होंगे? रिएक्टेंट होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं? रिएक्टेंट। कौन होते हैं? रिएक्टेंट। ठीक, तो ऊपर दिए गए रिएक्शन में से ऑक्सीडेंट का नाम बताओ और रिडक्टेंट का नाम बताओ। ऑक्सीडेंट कौन है वो बताओ, रिडक्टेंट कौन है वो बताओ। ऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन अवेलेबल करता है, यानी ऑक्सीजन देता है। तो ऊपर रिएक्शन देखो ना, बताओ इन दो रिएक्टेंट में से ऑक्सीजन किसने दिया? हाँ, सीयू ने दिया, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेंट। तो यहां पर ऑक्सीडेंट का नाम आ गया कॉपर ऑक्साइड, यानी कि सीयू। अब ये रिएक्टेंट बच गया, ये क्या बन जाएगा? क्यों बना ये रिडक्टेंट? क्योंकि इसने ऑक्सीजन को क्या अवेलेबल किया? हाइड्रोजन। समझ में आ रही है बात? आया ना? पक्का? ठीक। और एक एग्जांपल देख लो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2, ये दोनों रिएक्ट हो गए, प्रोडक्ट बना S+H2। S+H2O, ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब तुम इस केमिकल रिएक्शन को ध्यान से देखो, रिएक्टेंट को देखना है, किसको देखना है? रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है, हाँ या ना? और ये भी क्या है?
टैंक है ना। yes. शहजाद दिख रहा है कि नहीं? H2S भी रिएक्टेंट है, SO2 भी रिएक्टेंट है। किसने ऑक्सीजन को लूज किया, किसने ऑक्सीजन गेन किया? S ने ऑक्सीजन को, ठीक है यहां पे लिखता हूं, लूज ऑक्सीजन। तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, आया ना। और इसने क्या गेन किया, हाइड्रोजन ने, ऑक्सीजन। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे लिखता हूं गेन ऑक्सीजन। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मतलब इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रहे, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पक्का? ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ये डेफिनेशन लिखोगे, और डेफिनेशन लिखने के साथ साथ ये दो एग्जाम्पल या एक एग्जाम्पल तो लिखोगे ही लिखोगे। समझ में आ गई बात, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, क्लियर है, पक्का ना, पक्का? ठीक है, अब इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक कोरोजन क्या है, क्या है कोरोजन का डेफिनेशन वो देखते हैं। पहला, द स्लो प्रोसेस of decay or oxidation of metal due to various component of atmosphere is called corrosion. ये corrosion का definition, क्या है डेफिनेशन, द स्लो प्रोसेस ऑफ डीके यानी डिस्ट्रॉय करना, डिकम्पोज करना, ठीक है, डीके का मतलब डिस्ट्रॉय समझ लो या डिकम्पोज समझ लो, द स्लो प्रोसेस ऑफ डीके और ऑक्सीडेशन ऑफ ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज कोरोजन। तो कोरोजन बेसिकली एक तरीके का क्या है, प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में मेटल डीके हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीके का मतलब क्या बता, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, किस वजह से, ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, एयर, आया ना। yes. अब एयर के कंपोनेंट क्या क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड,
वेरियस गैसेस, अलग अलग तरीके के गैस भी मौजूद होते हैं, मॉइस्चर, ये सब क्या है? कॉम्पोनेंट ऑफ एटमॉस्फियर बोल दो या एयर बोल दो, वन एंड द मेटल डीके हो जा रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, किस वजह से? एयर के इन कॉम्पोनेंट की वजह से। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोरोजन। एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट की वजह से अगर मेटल डिकम्पोज हो रहा है या ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है कि मेटल का खराब हो जाना, मेटल का खराब हो जाना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? और कोरोजन वाला जो प्रोसेस है ना, वो भी फास्ट प्रोसेस नहीं है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये? कैसा प्रोसेस है ये? कैसा प्रोसेस है ये? ठीक। अब कोरोजन का एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन है रस्टिंग ऑफ आयरन। एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। पता है ना लोहे को बोलते हैं? एप्पल को कट करके कुछ देर रखो, एप्पल को कट करो, उसके पीसेस करो और उसको हवा में रखो, कुछ देर के बाद जब तुम जाओगे देखोगे एप्पल के पीसेस को, तो उसके ऊपर के सरफेस जो कलर आएगा वो रेडिश ब्राउन कलर जमता है कि नहीं जमता? यस और नो? ठीक। लोखंड का ग्रिल हो, लोखंड का दरवाजा हो, लोखंड की सलिया हो, लोखंड का रॉड हो, आयरन का रॉड, आयरन का ग्रिल, आयरन का डोर, बहुत दिनों के बाद तुमने देखा होगा उसके ऊपर के सरफेस पर एक रेडिश ब्राउन कलर का एक परत जम जाती है, देखा है ना सबने? उसको बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं उसको? जिसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। तो जंग जो आयरन पे लोहन पर जो जम जाता है ना, उसको बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं उसको? रस्टिंग ऑफ आयरन। ये एक एग्जांपल है किसका? ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, किसका एग्जांपल दे रहा हूं? कोरोजन वाला जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज स्लो प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये? रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। स्लो प्रोसेस भी है और ऑक्सीडेशन, स्लो प्रोसेस भी है और ऑक्सीडेशन। इसका मतलब आयरन ऑक्सीडाइज होगा। आयरन क्या होगा? यानी आयरन ऑक्सीजन को क्या करेगा? गेन करेगा। क्या करेगा? पॉइंट नंबर थ्री, रस्ट इज रेडिश कलर सॉलिड लेयर फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। रस्ट जो है वो कौन से कलर का है? उसका स्टेट क्या है? सॉलिड। ठीक है। और ये लेयर किसके सरफेस पर मिलते हैं? आयरन। ओके, नाउ नेक्स्ट, रस्ट ऑन आयरन डज नॉट फॉर्म
बाय सिंपल रिएक्शन, आयरन पर जो रस्ट जम जाती है ना, आयरन पर जो रस्ट जमता है फॉर्म होता है, वो कोई सिंपल रिएक्शन की वजह से नहीं होता। रस्ट ऑन आयरन फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ सकता है। आयरन पर जो रस्ट जमती है वो किस रिएक्शन की वजह से जमती है? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर्म अ रेडिश लेयर ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक क्या बोलता है? आयरन को जब तुमने कहां पर रखा? बोले हवा में रखा। ठीक है, ओके। तो क्या होगा, कुछ दिन के बाद आयरन के सरफेस पर एक रेडिश लेयर बनेगा। उस लेयर को अपन क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है हाइड्रेटेड फेरिक, और इसको हम रस्ट भी कहते हैं। रस्ट बोल दो या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोल दो चलेगा। रस्ट का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक। ठीक है, अब इसका जनरल केमिकल इक्वेशन देखो क्या है। जनरल केमिकल इक्वेशन, अच्छा ये जो मैं इक्वेशन लिखा रहा हूं, ये इक्वेशन किसका है? रस्टिंग ऑफ आयरन का है। एफ ई स्टैंड फॉर आयरन, ओ टू स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, एच टू ओ स्टैंड फॉर Fe2O3.XH2O। सबसे पहला ये इक्वेशन को बैलेंस करो। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखना है कि नंबर ऑफ एटम इवन है या ऑड। यहां पर देखो नंबर ऑफ एटम क्या है, तो इधर तुम क्या करोगे, टू लगा दोगे, यस और नो? पक्का? तो अब ये क्या होगा, Fe कितना है? 4 है, पक्का? और ऑक्सीजन कितना है? 6। पक्का? ठीक है, तो अब यहां पर Fe कितना है? 4। इधर कितना है? 4। डन। ठीक, अब ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 2 3 6। इधर में क्या लगाऊं? 3। पक्का? हाँ या ना? ओके, अब आगे और देखो। आयरन हो गया 2 2 4, 2 3 6, ये 6 हो गया। ओके, यहां पर अब ये H2O और ये H2O बैलेंस है, यस और नो? यस और नो? पक्का? तो आयरन किससे रिएक्ट हो रहा है? और जब आयरन को तुम खुली हवा में रखोगे तो एयर में मॉइस्चर भी होता है, एयर में ऑक्सीजन भी होता है। मॉइस्चर यानी कि वॉटर, मॉइस्चर यानी कि वॉटर। ठीक है, तो वो आयरन ऑक्सीजन और वॉटर से जा मिलता है। ऑक्सीजन और वॉटर मिलने की वजह से आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और वो क्या बन जाता है? रस्ट। क्या बन जाता है वो? रस्ट। क्या बन जाता है वो? रस्ट। ये जो कंपाउंड है पूरा, इस पूरे कंपाउंड का नाम जो है ना,
वो रस्ट है। क्या है? इसको रस्ट भी बोलते हैं, इसको हाइड्रेटेड। अच्छा, इसको हाइड्रेटेड, वर्ड हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर। क्या होता है इसका मतलब? क्योंकि देखो फेरिक ऑक्साइड के साथ वाटर मॉलिक्यूल भी अटैच्ड है। फेरिक ऑक्साइड के साथ वाटर मॉलिक्यूल भी, ठीक है, इसके लिए हम इसको कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्यों कहते हैं इसको हाइड्रेटेड? क्योंकि इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। अभी कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है वो डिपेंड करता है, इसलिए यहां पर नंबर की जगह पर क्या लिया? क्या लिया? क्या लिया? बात समझ आ गई? क्या हो रहा था? जब आयरन को तुमने मॉइस्ट एयर में एक्सपोज किया, यानी रखा खुली हवा में, तो हवा में दो चीज थी, आयरन दो चीज से रिएक्ट हो रहा, एक तो ऑक्सीजन से और दूसरा वो बाकी इनसे रिएक्ट नहीं हो रहा है। आयरन सिर्फ दो चीज से रिएक्ट हो रहा, ऑक्सीजन और, ठीक है, तो रिएक्ट होने से क्या बन गया? रस्ट। क्या बन गया? रस्ट का फॉर्मूला याद रखना, रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3.HH2O, ये रस्ट का क्या है? रस्ट का क्या है? रस्ट का क्या है? याद रखोगे? पक्का याद रखोगे? यस और नो? पक्का? ठीक, अच्छा। तो जनरल इक्वेशन रस्ट का क्या है वो बता दिया, रस्ट क्या होता है वो भी पता चल गया, पक्का। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हाउ रस्ट इज फॉर्म्ड ऑन आयरन सरफेस। आयरन सरफेस पर रस्ट किस तरह बनता है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ। रस्ट कौन से कलर का होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है? सॉलिड। ठीक है, अब क्या पढ़ा रहा हूं? हाउ रस्ट इज फॉर्म्ड ऑन आयरन, आयरन के सरफेस पर रस्ट किस तरह फॉर्म होता है वो पढ़ा रहा हूं। अब इसको हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे स्टैंडर्ड में बहुत बेसिक चीज थी, बस उसको याद रखना है, उसके अलावा आगे की चीज अपने को याद नहीं रखनी। रस्टिंग ऑफ आयरन Fe यानी कि क्या होता है? ऑक्सीडाइज होगा, तो क्या बनेगा? Fe2O3. आयरन जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनता है? Fe2O3. ठीक है, ये जो चीज होगी ऑन वन पार्ट ऑफ आयरन सरफेस, आयरन सरफेस के ऊपर, आयरन के सरफेस पर एक पार्ट पर क्या हो रहा है? आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, आयरन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अब व्हाइल ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड to form water, on another part of iron surface, दूसरे पार्ट पर, आयरन सरफेस के ऊपर दूसरे पार्ट पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिड्यूस। क्या फॉर्म होता है रिड्यूस होने से? मतलब आयरन के सरफेस पर अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें हो रही है। एक पार्ट पर क्या होगा? आयरन ऑक्सीडाइज होगा। एक पार्ट पर क्या होगा? ऑक्सीजन रिड्यूस होगा। बात समझ आ रही है? जिस पार्ट पर आयरन ऑक्सीडाइज होता है वो फिर उस पार्ट पर क्या बन जाता है? Fe2O3. यानी उस पार्ट पर बनता है रस्ट, और दूसरे पार्ट पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वाटर। अभी इन पार्ट को बोलेंगे क्या? तो एक को बोलेंगे एनोड और दूसरे को बोलेंगे कैथोड।
ये बात याद रखें, उन पार्ट को क्या बोलेंगे? एनोड और एनोड और एनोड और देखो कभी भी तुम देखो तो आयरन का सरफेस, अगर तुमने लोखंड देखा रहेगा तो पूरे लोखंड पर जंग तुम्हें कभी नजर नहीं आएगा। पूरे लोखंड पर जंग कब नजर आएगा? अगर उस मेटल को तुमने 2-3-4 साल तक हवा में एक्सपोज किया है, ठीक है, तो फिर तुम्हें पूरे मेटल पर जंग नजर आएगा। ये जो प्रोसेस है बहुत स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आज इसको तुमने हवा में रख दिया नेक्स्ट डे तुम देखोगे तो तुमको रस्ट दिखाई देगा आयरन पर, नहीं होता ऐसा। ये बहुत स्लो प्रोसेस, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है एनवायरमेंट पर, एनवायरमेंट में कितना ऑक्सीजन है कितना मॉइस्चर है उस पर डिपेंड करता है। जहां पर मॉइस्चर ज्यादा होगा ऑक्सीजन ज्यादा होगा वहां पर रस्टिंग का प्रोसेस फास्ट होगा, जहां पर ऑक्सीजन कम है और मॉइस्चर कम है तो वहां पर रस्टिंग होगा लेकिन वो प्रोसेस कैसा चलेगा? स्लो चलेगा। अब यहां पर देखो आयरन के इस सरफेस पर परत जम गई है लाल, ठीक है, ओके। तो ये सरफेस वाला जो आयरन था वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, और ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया? Fe2O3.H2O यानी कि रस्ट बन गया। और दूसरे पार्ट पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिड्यूस होकर क्या फॉर्म होता है? वाटर। क्या फॉर्म हो रहा है? वाटर। क्या फॉर्म हो रहा है? वाटर। ठीक है, अब जनरली ये तीन स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? अब वो तीन स्टेप क्या है वो ध्यान से देखो। स्टेप नंबर वन, आयरन इज ऑक्सीडाइज टू Fe2+ इन द एनोड रीजन, इन द सबसे पहला क्या हो रहा है? आयरन, और ये आयरन किस पे कन्वर्ट हो जाता है? Fe2+ आयन में, Fe2+ आयन कौन से रीजन पर? एनोड। इसका रिएक्शन देखो क्या है, आयरन सॉलिड स्टेट में होता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्या करता है इलेक्ट्रॉन लूज? क्या करता है इलेक्ट्रॉन लूज? क्या करता है इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? यहां पे लिखता हूं 2e-, यानी आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज। और ये हो गया ऑक्सीडाइज। कल पढ़ा था लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, पढ़ाया था तक। तो आयरन ऑक्सीडाइज हुआ, कैसे ऑक्सीडाइज हुआ? तो सबसे पहले उसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? लूज कर दिया, और वो आयन में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? वो पहला वो एटम था, पहला क्या था? फिर उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया? तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया? आयन। अच्छा, ये पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन? पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हुआ? Fe ऑक्सीडाइज हुआ और किसमें कन्वर्ट हो गया? Fe2+। ये जो रिएक्शन है किस रीजन में हो रहा है? क्लियर। अब स्टेप नंबर टू, O2 इज रिड्यूस्ड, O2 इज टू फॉर्म वॉटर, टू फॉर्म इन द कैथोड, कैथोड रीजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, और उससे क्या फॉर्म हो रहा है? कौन से रीजन में? अब इसका केमिकल रिएक्शन याद रखना, इसका केमिकल रिएक्शन अगर पूछा तो याद रखना, O2 गैस स्टेट में होता है, वाटर में हाइड्रोजन भी अवेलेबल होता है, यह हाइड्रोजन एक्वस फॉर्म में होगा, पानी में होगा, फिर भैया ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है
और चार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो बन जाता है वॉटर लिक्विड शेप। ये रिएक्शन तुमको याद रखना है, बात समझ में आ रही। सबसे पहला क्या हुआ, आयरन यानी इसके इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, और वो किसमें कन्वर्ट हो गया, Fe2+ आयरन। ये कौन से रीजन में हो रहा है, एनोड रीजन। कैथोड रीजन में क्या हो रहा है, कैथोड रीजन में O2 क्या हो रहा है, O2 का रिड्यूस होना मतलब ऑक्सीजन अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और उससे क्या बनता है, तो अब हमारे पास एनोड रीजन में Fe2+ आयरन है और कैथोड रीजन में क्या आ गया वो हमारे पास, H2O वॉटर। क्लियर है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, Fe2+ आयरन माइग्रेट फ्रॉम एनोड रीजन, Fe2+ आयरन माइग्रेट फ्रॉम, माइग्रेट का मतलब होता है ट्रांसफर, माइग्रेट का मतलब क्या होता है, माइग्रेट का मतलब क्या होता है, एंड दे रिएक्ट विथ वॉटर। Fe2+ आयरन ट्रांसफर हो रहा है एनोड रीजन से, कौन से रीजन पर आएगा, कैथोड रीजन पर आएगा, और वो किससे रिएक्ट होगा, किससे रिएक्ट होगा, एंड फर्दर गेट ऑक्सीडाइज, फर्दर गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Fe3+ आयरन। बहुत सिंपल है। स्टेप नंबर वन, आयरन ऑक्सीडाइज होता है Fe2+ में। स्टेप नंबर टू, ऑक्सीजन रिड्यूस होकर पानी बनता है। आयरन का ऑक्सीडाइज होना एनोड पे हो रहा है, O2 का रिड्यूस होकर पानी बन जाना कैथोड पर हो, फिर ये Fe2+ वाला आयरन ट्रांसफर होता है कैथोड रीजन पर और किससे रिएक्ट हो जाता है, पानी से, वॉटर से रिएक्ट होता है, ठीक है। Fe2+ ट्रांसफर होकर किससे रिएक्ट होता है, वॉटर से रिएक्ट होने के बाद वो और ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है, यानी वो और इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पहला उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, फिर पानी से रिएक्ट करने के बाद एक और इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो वो बन जाता है Fe3+ आयरन। बात समझ में आ गई। अब आखिरी स्टेप फोर, अ रेडिश कलर हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम Fe3+ आयरन, Fe3+ आयरन इट इज कॉल्ड, और उसको हम बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं, फिर इस Fe3+ आयरन से क्या बनता है, रेडिश कलर हाइड्रेटेड ऑक्साइड, और उस रेडिश कलर हाइड्रेटेड ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, बात समझ आते, यस और नो, पक्का। फिर लास्ट में तुमको यहां पर लिखना होगा उसका पूरा केमिकल इक्वेशन, तो मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा रहा हूं Fe3, अभी इसका रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। Fe3+ आयरन जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में होता है, फिर वो रिएक्ट करता है वॉटर से, H2O से, जो लिक्विड स्टेट में होता है। रिएक्ट करने से क्या बन जाता है, Fe2O3.H2O यानी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन आयन भी रिलीज्ड होता है। ये स्टेज फोर का रिएक्शन है।
बात समझ आ गई। स्टेज वन में क्या हुआ, आयरन ऑक्सीडाइज हुआ Fe2+ में कन्वर्ट हो गया एनोड रीजन में। स्टेज टू में क्या हुआ, O2 रिड्यूस होकर पानी बन गया कैथोड रीजन में। स्टेप थ्री में क्या हो रहा है, आयरन ट्रांसफर हो रहा है एनोड रीजन से और पानी से जाकर रिएक्ट होता है। पानी से जब वो जाकर रिएक्ट होता है तो वो और भी ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है और वो Fe2+ से Fe3+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेप फोर में क्या हो रहा है, वो Fe3+ आयन से क्या बन जाता है, लाल कलर का हाइड्रेटेड ऑक्साइड जिसको हम क्या बोलते हैं, रस। और ये रहा उसका केमिकल इक्वेशन। ये है बच्चों तुम्हारा रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये जो प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी आयरन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। यहां पर लिखा है इट इज स्लो प्रोसेस एंड इट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, लिखा है कि नहीं लिखा है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन समझ में आ गया। कोरोशन का मतलब होता है जब मेटल डिके हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट की वजह से, तो उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोशन। एग्जांपल क्या है कोरोशन का, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे इस चैप्टर का, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये तो कुछ भी नहीं है इसका, अब ये जो रिएक्शन हो रहे ना ये तो सिर्फ फाइनल रिएक्शन तुमको बता है। जब आगे जाओगे हायर स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में ये प्रोसेस कोरोजन का तुमको डिटेल में बताया जाएगा कि बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन होता क्या है। तो इतना तो तुम लोग को याद होना चाहिए। अब रस्टिंग ऑफ आयरन में सबसे पहला आयरन ऑक्सीडाइज होकर Fe2+ में बन जाता है, O2 रिड्यूस होकर व�टर में बन जाता है, Fe2+ वो वाटर से रिएक्ट होकर और भी ऑक्सीडाइज होता है और Fe3+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और उस Fe3+ आयन, वो Fe3+ आयन फिर वापस से किससे रिएक्ट होता है, वाटर से, और वो फिर एक लाल कलर का हाइड्रेटेड ऑक्साइड हमको देता है जिसको हम बोलते हैं रस्ट। रस्ट का दूसरा नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। समझ में आया, रेडॉक्स रिएक्शन समझा, कोरोजन समझा, रस्टिंग ऑफ आयरन समझा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब एक टॉपिक बचा था रेंसिडिटी। क्या रेंसिडिटी, मैं बताता हूं रेंसिडिटी का मतलब क्या है। तुम अगर खाने को, अगर फ्राइड फूड हो, ठीक है, या जिस खाने में हमने तेल का इस्तेमाल किया है, या फिर तेल ले लो या घी ले लो, जब उसको तुम उन तेल और घी को रखते किसमें, डब्बे में रखते हो बंद करके, बराबर, खुला रखते हो या बंद करके रखते हो, बंद करके रखते हो, इतना टाइट बंद करते हो कि उसके अंदर हवा ना जा सके ना उसके अंदर से कोई हवा बाहर पास हो सके, इतना टाइट तुम बंद करते हो तेल को और घी को डब्बे के अंदर। अच्छा अगर बच्चों वही तेल और वही घी को तुमने डब्बे में ना रखते हुए खुले बर्तन में रख दिया हवा में, खुले बर्तन में रख दिया हवा में, तो वो तेल वो घी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर उस तेल के अंदर से, तेल या घी जब ऑक्सीडाइज होता है तो उसके अंदर की बदबू गंदी, एक गंदा स्मेल आता है उसके अंदर, ठीक है, उस तेल का टेस्ट चेंज हो जाता है, उस ऑयल का स्मेल चेंज हो जाता है। और फिर ऐसे ऑयल में अगर तुम खाना बनाते हो तो वो खाने का टेस्ट भी और स्मेल भी चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं इसको, रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं उसको, रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं उसको, रेंसिडिटी। ये भी एक स्लो प्रोसेस है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्यों, क्योंकि यहां पर भी वो ऑक्सीजन को क्या करने वाला है, गेन करने वाला है। बात समझ में आ रही, हाँ। अगर ऑयल या घी को तुम
एक्सपोज करोगे एयर में तो वो एयर में ऑक्सीजन से जा मिलेगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसका स्मेल चेंज होगा, उसका टेस्ट चेंज होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। और ऐसे ऑयल या घी में अगर हम खाना बनाते हैं, फूड को कुक करेंगे, तो वो फूड का टेस्ट भी और स्मेल भी चेंज हो जाएगा। और अगर वो फूड को हमने कंज्यूम किया, खाया, तो हम बीमार हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल है। क्या है? हार्मफुल है। बात समझ में आ रही? ठीक है। अच्छा, तो तेल जल्दी ऑक्सीडाइज ना हो, ऑयल घी का ऑक्सीडेशन रोकने के लिए या कम करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। ये फिलिप में पूछ सकता है, रेंसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उसको स्लो करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट का। या तो दूसरा तरीका, घी या ऑयल को तुम एक टाइट पैक कंटेनर के अंदर रखो, जिससे ऑक्सीडेशन घी का या ऑयल का क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। रेंसिडिटी समझ में आ गया? यहां पर तुम्हारा खत्म होता है टॉपिक लेसन नंबर 3, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन।